जय श्री राम। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी और आज हमारे साथ मौजूद हैं भजन सम्राट पद्मश्री अनूप जलोटा जी। बहुत स्वागत है अनूप जी आपका। अनूप जलोटा जी, जिनके भजनों की ध्वनि जब कानों में पड़ती है तो मन भक्ति सागर में गोते लगाने लगता है और भक्त अपने आराध्य श्री राम के श्री चरणों में खुद को समर्पित पाता है। जिन्होंने वर्षों तक राम धुन को गुनगुनाया है, आज उन्हीं अनूप जलोटा जी से हम बात करेंगे, क्योंकि राम धाम बनकर तैयार है और इंतज़ार अब राम लला का किया जा रहा है। तो चलिए करते हैं इस चर्चा की शुरुआत। अनूप जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपने वर्षों तक राम धुन गाई है, रामायण के अलग अलग जो प्रसंग रहे हैं उनका व्याख्यान भी किया है और राम भक्ति क्या होती है इससे भी लोगों का परिचय कराया है। आज वो पल बेहद नज़दीक है जब हम रामलला के दर्शन करेंगे, कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। ऐसे में आपके मन में क्या भाव आते हैं, राम भक्त के तौर पर आप कैसे इस क्षण को व्यक्त करेंगे? अयोध्या में जाकर एक अलग सी अनुभूति होती है। मैं तो इस बीच कई बार गया, जब से पता लगा कि वहाँ मंदिर बन रहा है, एक उस हवा में एक अलग ही खुशबू पैदा हो गई है, एक माटी में एक अलग सुगंध है। बस इंतज़ार है कि कब उसका उद्घाटन हो, कब हम अंदर जाएं और दर्शन करें रामलला के भी और उनके भवन के। 500 वर्ष से ये स्वप्न हम देख रहे हैं कि कब होगा ये। एक भजन सुनाओ इस पे आप। बिल्कुल राम से कोई मिला दे मुझको, राम से कोई मिला दे मुझको, राह से कोई लगा दे मुझको, राह से कोई लगा दे मुझको, राम से कोई मिला दे मुझको, राह से कोई लगा दे मुझको। बिन लाठी का निकला अंधा, बिन लाठी का निकला अंधा, राह से कोई लगा दे मुझको। कोई कहे ये बसे अवध में, कोई कहे ये वृंदावन में, कोई कहे तीर्थ मंदिर में, मैं तो कहूँ ये मिलते मन में। जहाँ बसा है प्रीतम मेरा, उसका घर दिखला दे मुझको, राम से कोई मिला दे मुझको, राम से कोई मिला दे मुझको, राह से कोई लगा दे मुझको, राम से कोई मिला दे मुझको, राह से कोई लगा दे मुझको। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने बताया कि आखिर ये जो क्षण है ये कितना खास होने वाला है। अनूप जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि राम धुन तो आप कई सालों से गा रहे हैं, लेकिन जब आप राम के बारे में सोचते हैं तो उनकी छवि आपके मन में कैसी उभरती है? राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम दिखते हैं आपको, आदर्श पुत्र दिखते हैं, आदर्श पिता दिखते हैं, आदर्श पति दिखते हैं, या आदर्श शासक के रूप में आप उन्हें दिखते हैं? अनूप जलोटा के राम कैसे दिखते हैं? राम एक गाइड है, सही पथ दिखाते हैं, किस ओर आपको चलना है, एक भाई के रूप में किस तरह चलना है, पति के रूप में, पिता के रूप में, पुत्र के रूप में, वो हमारे टीचर है। ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र। करोड़ों हिंदू इस वक्त पलके बिछा के इंतजार कर रहे हैं उस पल का जब रामलला कमल पुष्प पे विराजमान होंगे और वो छवि अद्भुत होगी, अकल्पनीय होगी। अनूप जी, सच बात है कि 22 जनवरी को इतनी भीड़ होने वाली है। प्रधानमंत्री जी ने अनुरोध किया है कि भाई सब लोग वहाँ मत आओ उस दिन, उसके बाद आओ जब उद्घाटन हो जाए उसके बाद, लेकिन लोग कहाँ मानने वाले। लेकिन लोग अपने घर में अयोध्या
की जो छवि है उसको देखकर राम का स्वागत जरूर कर सकते हैं। बिल्कुल 22 जनवरी करें, को देश में दिवाली भी मनने वाली, बिल्कुल हो, घर तो इस घर पर हो। आप क्या कहेंगे? देखिए मैं तो आपको दो पंक्तियां सुनाता हूँ। हृदय बना लो भक्तो अयोध्या धाम रे, हृदय बना लो भक्तो अयोध्या धाम रे, आके बसेंगे उसमें सीताराम रे, आके बसेंगे उसमें सीताराम रे। तो अपने मन को ही आप अयोध्या बना लीजिए ना, भगवान आपके मन में आके बस जाएंगे। तो हनुमान जी ने ये तो किया था ना, वो जहाँ जाते थे उनके अंदर ही थे भगवान राम सीता जी। तो अपने मन में बसा लीजिए, अपने को एक अयोध्या धाम का शरीर बना लीजिए। राम तेरे घर आएंगे हो, राम तेरे घर आएंगे, अपने मन में तू प्रभु को बसा ले, अपने मन में प्रभु को बसा ले, राम तेरे घर आएंगे हो, राम तेरे घर आएंगे, अपने मन में तो प्रभु को बसा ले, अपने मन में तो प्रभु को बसा ले, राम तेरे घर आएंगे। अनुप जी, अयोध्या तो आप कई बार गए होंगे, हर बार अलग अनुभव होता होगा, और जब अब वो घड़ी नजदीक है जिसका इंतजार तो आप भी सालों से कर रहे हैं, तो अयोध्या या नव अयोध्या आपको कैसी प्रतीत होती है? और वो भजन भी सुनना चाहेंगे जब आप ये बताते हैं कि राम हुए रघुराई। देखिए मैं पिछले 50 वर्षों से अयोध्या जाता रहा हूँ, क्योंकि पहले 20 वर्ष में लखनऊ रहा, तो दर्शन करने जाता था, वहाँ जाके कार्यक्रम करता था। फिर एक फिल्म की शूटिंग हमने वहाँ की थी, उस फिल्म का नाम था प्यार का सावन। उसमें मैं और अरुण गोविल दो हीरो थे, और साधना सिंह और देवश्री रॉय दो हीरोइन थी, उसकी भी वहाँ पर हमने शूटिंग की। उसमें भी बड़े सुंदर सब भजन थे, बहुत ही अच्छे। तो अयोध्या तब की और अयोध्या आज की, उसमें फ़र्क ये है कि आज अयोध्या वो हो गई है जब भगवान राम के समय की अयोध्या थी। इतना सुंदर उसको बना दिया गया है, और हर तरफ केवल मंदिर ही नहीं, उसके साथ साथ जो सिटी है, पूरा शहर है, शहर को भी कमाल का बना दिया गया है। प्रेम की अगन हो, प्रेम की अगन हो, भक्ति सघन हो, मन में लगन हो तो, प्रेम की अगन हो, भक्ति सघन हो, मन में लगन हो तो देखिए क्या होगा। प्रेम की अगन हो, भक्ति सघन हो, मन में लगन हो तो प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे, राम मिल जाएंगे, प्रभु श्री राम मिल जाएंगे। प्रेम की अगन हो, भक्ति सघन हो, मन में लगन हो तो प्रभु मिल जाएंगे, राम मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे। भजन में भाव हो, भक्ति प्रवाह हो, भजन में भाव हो, भक्ति प्रवाह हो, आराधन का गांव हो तो प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे। प्रेम की अगन हो, भक्ति सघन हो, मन में लगन हो तो प्रभु मिल जाएंगे, राम मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे, श्री राम मिल जाएंगे। प्रभु के पाने के लिए शक्ति चाहिए, भक्ति चाहिए, प्रेम चाहिए, बस मिल जाते हैं। और ऐसे ही कुछ मिलन की आस उस वक्त अयोध्या वासियों को भी रही होगी जब वो स्वागत कर रहे होंगे प्रभु श्री राम का, कि 14 वर्ष के वनवास के बाद प्रभु श्री राम जो हैं वो लौट रहे हैं। और ऐसे में आपका बड़ा ही सुंदर भजन है कि ढोल नगाड़े बजाओ, अयोध्या को सजाओ, अयोध्या को सजाओ, अयोध्या को सजाओ, ढोल नगाड़े बजाओ, अयोध्या को सजाओ, ढोल नगाड़े बजाओ, श्री राम आएंगे, श्री राम आएंगे, श्री राम आएंगे, श्री राम आएंगे। प्रभु को शीश नवाओ,
उन पर ध्यान लगाओ, प्रभु को शीश नवाओ, उन पर ध्यान लगाओ, प्रभु राम आएंगे, प्रभु राम आएंगे, प्रभु राम आएंगे, प्रभु राम आएंगे। क्या माहौल होगा सोचिए जरा, नगाड़े बज रहे हैं, शहनाई बज रही है, भगवान राम सीता जी लक्ष्मण पधार रहे हैं और हमें इतनी खुशी है कि ये जो भारत है वो केवल भारत में नहीं है, भारत आज संसार के हर देश में है, हर देश में सजाई हुई है, हर देश में सजावट है, हर देश में मंदिर सजे हुए हैं और पूरे संसार में ये उमंग है और हम लोग यहाँ बैठे आनंद ले रहे हैं। हमको पता है यही हाल अमेरिका का है, यही कनाडा का है, यही इंग्लैंड का है, यही अफ्रीका का है। और इसलिए रामचरितमानस में ये कहा भी गया है, सुमन वृष्टि नव संकुल भवन चले सुख कंद, चढ़ी अटरीना देख ही नगर नारी नर वृंद। तो जो त्रेता युग वाली जो दिवाली है, त्रेता युग वाली जो अयोध्या है, उसकी कल्पना हम ज़रूर कर सकते हैं। सरयू घाट तो आप कई बार गए होंगे, कई बार वहाँ पर आपने भजन भी गाए हैं, और सरयू घाट का, सरयू नदी का राम जी के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा है। जब सरयू घाट पर आप भजन गाते हैं तो उस वक्त मन में क्या अनुभूति होती है, क्योंकि सरयू जो कि राम के जन्म से पहले अवतरित हुई धरती पर, सरयू जो भगवान राम के वनवास की साक्षी भी रहीं, वहाँ पर किस तरह की अनुभूति होती है? वो दुख महसूस होता है जब राम जी अयोध्या छोड़कर वनवास की ओर जा रहे थे? देखिए, इतने सारे प्रसंग हैं भगवान राम के जीवन के जो हमको आनंद भी देते हैं, दुख भी देते हैं, लेकिन कोई ऐसे प्रसंग की अगर कल्पना की जाए जो हम कहें कि ये नहीं होना चाहिए, तो ऐसा कोई प्रसंग नहीं है। अब जैसे वो वनवास गए, वो होना चाहिए था ना, तभी तो रावण वध हुआ है? राक्षसों का नाश क्यों हुआ? क्योंकि वो गए। तो हर एक उनके काम के पीछे, हर एक लीला के पीछे कुछ ना कुछ है जो देश को, इस युग को आनंद देने के लिए साधक बना। इसलिए हम जब जाते हैं अयोध्या, सरयू नदी के किनारे बैठ के हम भजन जरूर गाते हैं, पैर लटका लेते हैं वहाँ। तो उस वक्त ये याद आता है कि अयोध्या में उत्सव निराला। यस यस, सरयू किनारे हो, सरयू किनारे धुन में गाऊं, राम धुन गाऊं, श्याम धुन गाऊं, राम धुन गाऊं, श्याम धुन गाऊं, सरयू के जल से, सरयू के जल से पवित्र हो जाऊं, राम धुन गाऊं, श्याम धुन गाऊं, राम धुन गाऊं, जपो राम राम राम, जपो राम राम राम, जपो राम राम राम, जपो राम राम राम, राम को जप लो राम सिया के नाम को मन में बसा दो, जपो राम राम राम, जपो राम राम राम, जपो राम राम राम, जपो राम राम राम। बहुत शुक्रिया अनूप जी, आपका धन्यवाद साथ जुड़ने के लिए और राम धुन को हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद आपका।